क्रिप्टो विद नील्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाई नेटवर्क सारे कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, जो जानना हर पाइनियर को बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी या अपने डाउन टीम की हेल्प कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जिनकी KYC पेंडिंग में चली गई है, उनके लिए अपडेट निकल के आ रहा है कि KYC अब रिजेक्ट होने लगा है, KYC अब डिस्कार्ड होने लगा है। जिसकी जिसकी KYC रिजेक्ट हो जा रही है, उसको रीसबमिट का बटन भी आ जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक फ़ोटो लगा दी है, इसी तरह से दोस्तों जिसकी जिसकी KYC रिजेक्ट हो रही है, उसको रिसबमिट का बटन भी आ रहा है। आप अपना पाई ब्राउज़र खोलिए। पाई ब्राउज़र खोलने के बाद KYC वाले ऑप्शन में जाइए। जिनकी KYC पेंडिंग है, मे भी हो सकता है कि उनकी भी KYC रिजेक्ट हो चुकी है और उन्हें रिसबमिट का बटन आ गया है। रिसबमिट का बटन आ गया तो दोस्तों आप दोबारा अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपनी KYC कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों हमारे दूसरे अपडेट की तरफ। चाइना में दोस्तों एक पाइनियर ने घर बाय किया है, लग्जरी हाउस मात्र 5,000 पाई में। आप देख सकते हैं दोस्तों चाइना में घर बिकाया मात्र 5,000 पाई में। चाइना में पाई की जो डिमांड है कुछ ज़्यादा ही है। चाइना में जो बिजनेस हो भी पाई को इनको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। चाइना में एक पाई की कीमत $100 से लेके 314159 तक है, मतलब $100 से लेके $300,000 तक लोग पाई से लेन देन कर रहे हैं। जो लोकल बिजनेस हैं वो इस तरीके से वैल्यू लगा रहे हैं। उनकी खुद की लगाई हुई वैल्यू है, ये असली वैल्यू नहीं है। असली वैल्यू पाई नेटवर्क का जो बनेगा वो ओपन मेननेट आने के बाद बनेगा, इस साल के एंड तक या इस साल के जून महीने में ही पाई का ओपन मेननेट आने का बहुत बहुत चांस है। तब तक ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस है चाइना में, एक कोई $100 में पाई की लेन देन कर रहा है, कोई $314,000 का रेट लगा के पाई की लेन देन कर रहा है, ये उनकी खुद की लगाई हुई वैल्यू है। असली वैल्यू इतनी नहीं होगी, कमी होगी दोस्तों। उनके लिए जानना ज़रूरी है, मैं खास तौर पर उनके लिए बता रहा हूँ जो इंडिया में 20-22 रुपये में पाई को इनको बेच रहे हैं ना, वही उनके लिए मैं बता रहा हूँ। थोड़ा वेट कर लो, जैसे चाइना और साउथ एशियन कंट्री में लोग पाई से कार ले रहा है, कोई घर ले रहा है, कोई बाइक की लेन देन कर रहे हैं, तो वैसे दोस्तों इंडिया में भी होगा। थोड़ा टाइम दीजिए, जो 20-22 रुपए में आज पाई बेच रहे हैं ना, वो आगे चल के पछताएंगे कि मेरे पास उस दिन 500 पाई था, मैंने 5 रुपये में 20 रुपये के प्राइस में बेच दिया, 500 पाई 20 रुपये पर पाई के रेट में बेच दिया। आने वाले समय में दोस्तों वो लोग पछताएंगे। पाई बहुत स्केयर हो चुका है आजकल। 8 महीने में आप 1 महीने में केवल 8 पाई माइन कर सकते हैं। सोचिए दोस्तों 1 महीने में 8 पाई माइन कर सकते हैं। अगर आपने किसी को इन्वाइट नहीं किया अपने नीचे, तो केवल 8 पाई आप माइन कर पाएंगे। दोस्तों थोड़ा सब्र कीजिए, 20-22 रुपये में पाई बेच के आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक ज़रूर कर दे, आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने में। दोस्तों एक और अपडेट है वियतनाम में। यहाँ देखिए, यहाँ पे पाइनियर ने $2,00,000 यानी तकरीबन 1,60,00,000 रुपए लगा के कंप्यूटर रूम बनाया है, जिसमें ये लोग पाई नोट रन करते हैं और इनकी जो डेली इनकम है तकरीबन 3,000 पाई ये डेली जो है वो नोट रन करके कमा लेते हैं। आप लोग अपने पाई को 20-22 रुपए में मत बेचिए, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, थोड़ा सा और समय देना है। जैसे आजकल चाइना में हो रहा है, साउथ एशियन कंट्रीज़ में हो रहा है, वैसे आने वाले समय में इंडिया में भी होगा। हम बात कर लेते हैं बीलब नेटवर्क के बारे में। दोस्तों बीलब नेटवर्क भी पाई नेटवर्क की तरह ही एक क्रिप्टो करेंसी है। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, बीलब नेटवर्क दुबई रजिस्टर्ड एक ट्रस्टेड प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी लिस्टेड एक्सचेंज जोन पे, और बीलब नेटवर्क का अपना खुद का ब्लॉकचेन भी है। पाई नेटवर्क की तरह इसका ओपन मेननेट वगैरह का वेट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी लिस्टेड है। आप इसकी फ्री में माइनिंग कर सकते हैं और डायरेक्ट इसको ले जाके बेच सकते हैं एक्सचेंज ऑन पे। डायरेक्ट बेच के आप तुरंत कैश में आपका कैश का विड्रॉ ले सकते हैं, आप इसको किसी और कॉइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने 495 कॉइन की ऑलरेडी मैंने विड्रॉल भी ले लिया है। आप देख सकते हैं 500 कॉइन का मैंने विड्रॉल लिया था और मुझे रिसीव हुआ है 495 कॉइन। 5 कॉइन जो है वो फीस लग गई, विड्रॉल फीस लगती है। अब मैं चाहूँ तो इसे डायरेक्ट ले जाके मैं इसको सेल कर सकता हूँ इसके एक्सचेंज पर। मैं इसे चाहूँ तो डायरेक्ट ले जाके बेच दूंगा, लेकिन मैं अभी इसे बेचूंगा नहीं दोस्तों। मैं इसको अभी स्टेक करूंगा और स्टेक करके और BLB कॉइन अर्न करूंगा। एक BLB कॉइन का प्राइस कंपनी के हिसाब से $2 होगा आने वाले फ्यूचर में, आने वाले 1-1.5 साल के अंदर अंदर, 500 दिन के अंदर अंदर। कंपनी का ऐसा हिसाब किताब है कि इसका जो प्राइस है वो $2 लेके जाना है। जो लोग बीलब नेटवर्क ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मैंने मेरा रेफर कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा रेफर कोड लेके जो ज्वाइन करेगा उसे 100 BLB टोकन तुरंत मिल जाएंगे। और आपका हर 24 घंटे में ऐप खोल के जो दिल का बटन दिख रहा है दोस्तों, ये दिल के बटन पर क्लिक करना और आपकी माइनिंग जो है वो चालू हो जाएगी। BLB नेटवर्क भी दोस्तों एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है, तो आप पाई नेटवर्क की भी माइनिंग कीजिए, बीलब नेटवर्क की भी माइनिंग कीजिए, दोनों की माइनिंग कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।